हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विश्री। सो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और कैसा लगा आप लोगों को ये लुक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्किन को प्रेप करने के लिए, सबसे पहले तो गाइस आपको एक क्लीन वाइप्स लेना है, वेट वाइप्स लेना है, या तो मेकअप रिमूवर लेना है या कोई भी क्लिनजिंग मिल्क लेके सबसे पहले मेकअप को फेस को क्लीन कर लेना है। हो जाता है ना बोलते बोलते, तो सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है अच्छे से। देन उसके बाद टोनर अप्लाई करना है गाइस। तो वो मैं कर चुकी थी तो इसलिए वो वीडियो जो है, वो क्लिप जो है, वो मिस हो गया। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। सो यहाँ पे इनका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निविया का निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, जो कि एक थिक क्रीम बेस में होता है। ये अफोर्डेबल रेंज में ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइस। आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र लिया है और नेक पे भी आपको लगाना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया है पैक के फाउंडेशन ब्रश का। तो यहाँ पे हम अच्छे से एक लेयर बना देंगे। कभी भी याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट को आप लोगों को फेस पे रगड़ना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक लेयर बनाना है, वो अपने आप, उसको थोड़े टाइम के लिए आप लोग सेटल होने देंगे, वो अपने आप ना फेस पे पेनिट्रेट हो जाएगा। तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लेयर बना दिया है और इसे मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दूँगी, जिससे हमारा मॉइस्चराइज़र जो है वो सेट हो जाए, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे मैंने प्राइमर के लिए लिया है कलर बार का पोर फिलर प्राइमर, आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने पोर परफेक्ट प्राइमर लिया है जो कि सिलिकॉन बेस में आता है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड भी कर दिया है गाइस, क्योंकि अगर ऐसे ही दिखाऊंगी तो देखो मेकअप होने में टाइम लगता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। या गाइस देख सकते। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन डर्मा का। विंटर के टाइम में भी आप लोग क्रायलॉन डर्मा यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए ना आप लोगों को प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और बहुत जल्दी ये सूख जाता है ना। तो कभी भी ऐसा हो तो आप लोग मिस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मिस्ट जैसे कि आप लोगों ने डर्मा अप्लाई किया, देन उसके बाद एक लेयर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने मिस्ट यूज़ कर लेना है, देन उसको ब्लेंड करना है। तो ऐसा कर सकते हो। या गाइज आप लोग एक चीज़ ये कर सकते हो कि कभी भी जब आप अप्लाई करें बेस, तो उससे पहले जो भी प्रोडक्ट है, जो भी क्रीम है, उसे आप अच्छे से निकाल ले, ठीक है, और फाउंडेशन प्लेट में, जैसे कि मैंने निकाल के पहले उसको अच्छे से मिक्स किया, देन उसके बाद उसे अप्लाई किया। तो ये कर सकते हैं। देन गाइज यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 के फाउंडेशन का। तो पहले मैंने यूज़ किया है इनके शेड से, इनके स्किन टोन से जो मैचिंग का शेड था वो, जिससे कि कोई भी पिगमेंटेशन हो, कुछ भी हो, तो वो हाइड हो जाए, ठीक है, दब जाए। उसके बाद यहाँ इनके स्किन टोन से जस्ट एक शेड लाइट मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि है फॉरएवर 52 का। देख सकते हो बाद में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये स्किन टोन से एक शेड लाइट है, ओके। कभी भी आप लोगों को एक शेड लाइट ही फाउंडेशन यूज़ करना है। या गाइस यहाँ पे देख सकते हो, और कभी भी आपको नेक को अवॉइड नहीं करना है, नेक को साथ पे करते जाना है। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर के लिए फॉरएवर 52 के कंसीलर का। गाइस कंसीलर जो है वो हम अपने हाइस्ट पॉइंट पे लगाएंगे, जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ। तो बेसिकली जो हमारे दबे हुए पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम इन्हेंस करने के लिए वहाँ पे हाईलाइटिंग कंसीलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ गाइस फॉरएवर 52 को, और ब्यूटी ब्लेंडर भी सेम फॉरएवर 52 का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। गाइस बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, इसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे उसके बाद हम अंडर आइज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, उनको ऊपर देखने बोलेंगे, और आपको ब्लेंड करना है जिससे कि क्रीज ना पड़े। तो ये जो है ना, फर्स्ट टाइम मेकअप करा रही थी इसलिए थोड़ा सा
होता है ना. सो या देन गाइज यहाँ पे मैं कंटूर के लिए सेम कंटूर शीट का यूज़ कर रही हूँ, क्राइलॉन के ही डर्मा पैलेट से. ओके तो आप अगर गाइज बिगिनर हैं तो आप डर्मा अवॉइड करें विंटर में, क्योंकि ये थोड़ा सा पैची, अगर आपको ब्लेंड करने नहीं आया तो पैची हो सकता है. सो या आप प्रैक्टिस करें देन उसके बाद बिल्कुल डर्मा यूज़ करें, अदरवाइज़ आप सुप्रा यूज़ कर सकते हैं. तो विंटर के लिए सुप्रा बेस्ट है. ओके देन गाइज यहाँ पे मैंने कॉन्टोर शेड को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. उसके बाद यहाँ पे मैं पाउडर से, लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ इनके अंडर आइज़ को, और जितने भी पॉइंट्स में हम लोगों ने हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया था उस एरिया को हम सेट कर लेंगे. तो यहाँ पे मैंने बनाना लूज पाउडर लिया है गाइस, देख सकते हो ये थोड़ा सा येलोइश टोन में होता है. ओके तो ये हम जो मीडियम स्किन टोन के होते हैं ना, उनके ऊपर आप बनाना पाउडर यूज़ करें, लूज पाउडर. सो देख सकते हो ये मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जिससे ये सेट हो जाए. सो गाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा. और ये ना एकदम मिनिमम बजट पे मैंने ये इनको रेडी किया है, लाइक ये मॉडल है, एज अ मॉडल मैंने इन्हें रेडी किया है. ठीक है, ये रियल ब्राइड नहीं है, तो सिर्फ वीडियो के लिए ही मैंने रेडी किया है इनको. तो वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइज, और चैनल में न्यू हूँ सो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना. सो या गाइज देख सकते हो यहाँ पे मैंने पाउडर को सेट होने के लिए छोड़ दिया है. देन यहाँ पे मैंने लिया है शुगर का ब्राउनज़र. सो आप लोग अगर बिगिनर हैं तो शुगर का जो ब्राउनज़र है ना बहुत अच्छा है, तो आप लोग ये ले सकते हैं. ओके सो यहाँ हम जितने भी हमारे एरियाज़ में होते हैं ब्राउनज़र, वहाँ ब्राउनज़र कर लेंगे. कॉन्टोर जहाँ जहाँ हमने कॉन्टोर किया था वहाँ पे हम जहाँ भी हम क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे गाइज, वहाँ पे हमें उसे पाउडर से सेट करना है. ठीक है ना, तो यहाँ पे जहाँ हमने कॉन्टोर किया था उसे ब्राउनज़र से हमने सेट कर लिया. देन यहाँ पे हमने एक फ्लफी ब्रश लिया है, पाउडर ब्रश, और उससे जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसे रिमूव कर लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमने रिमूव कर लिया. देन गाइज यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट, जिसमें कि आपको ब्लश और हाइलाइटिंग शेड्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पे मैं दो शेड को मिक्स एंड मर्ज करके देखो अच्छे से इनके चिक बोन्स पे, जहाँ पे हमें ब्लशर अप्लाई करना होता है वहाँ हम ब्लश अप्लाई कर लेंगे जस्ट ब्रॉन्ज़र से, जहाँ हमने कॉन्टोर किया होता है, ब्रॉन्ज़र किया होता है जस्ट उससे ऊपर. ठीक है, देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे गाइज यहाँ पे हाइलाइटर का. तो हाइलाइटर भी मैंने सेम पैलेट से ही लिया है, सेम स्विस ब्यूटी का पैलेट है गाइज, ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है. सो आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल स्विस ब्यूटी ले सकते हैं, है ना. तो गाइज ये बहुत कम बजट में एक प्रोफेशनल ब्रांड मिल जाता है आपको. सो या तो यहाँ पर हमने अच्छे से हाइलाइटर लगा लिया है. ओके देन देख सकते हो ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो, मतलब सारे जगह पे अच्छे से लगाना है, फॉरहेड पे, ठीक है, अपर लिप देख सकते हो. ओके देन गाइज यहाँ पे उसके बाद हमने थोड़ा सा ओके सो गाइज आ जाते हैं आई मेकअप पे. तो यहाँ पे मैंने आईब्रो फिल कर लिया था, और उसके बाद मैंने एक ऑरेंज शेड लिया है रेवोल्यूशन के पैलेट से. सो गाइज यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन का जो न्यूड शेड प्लस शिमर वाला जो पैलेट आता है वो लिया है, और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से क्रीज़ के ऊपर, जैसे कि देख सकते हो इनकी आँखें बहुत छोटी है, तो मैंने एक न्यूट्रल शेड को लिया है, ऑरेंज शेड है, लाइट ऑरेंज, और उसे अच्छे से क्रीज के ऊपर ब्लेंड कर लिया है. देन गाइज यहाँ पे मैंने पिंक लिया है, ठीक है, पिंक शेड को लिया है, डार्क पिंक, थोड़ा सा पीच टाइप का है, एकदम पिंक भी नहीं है, थोड़ा सा पीच टाइप का शेड लिया, और उसे मैंने आउटर वी और क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया. देन यहाँ पे मैंने फिर से एक डार्क पिंक शेड लिया और उसे आउटर वी पे ब्लेंड करके थोड़ा सा अंदर की ओर उसे मर्ज किया. ठीक है, सो ऐसे ही आप लोग ना जितनी क्रिएटिविटी कर सकते हो आई मेकअप पे कर सकते हो, बट
ऐसा भी ना हो कि वो बिगड़ जाए, सो कभी भी देख के की किया करो। सो या और ब्राइडल पे तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना ही मत कभी। सो जितना हो सके उनको न्यूट्रल शेड्स ही पसंद आते हैं तो उन्हें न्यूट्रल शेड्स ही देना। सो या गाइज, यहाँ पे मैं उसके बाद मैंने कट क्रीज दिया और कट क्रीज के बाद मैंने यहाँ पे एक गोल्डन शिमर शेड को अप्लाई कर लिया। देन यहाँ पे गाइज उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना पिंक के साथ ना ब्लैक शेड को मिक्स किया है आउटर वी पे, जिससे हमको देख सकते हो कितना अच्छा है एक शेड बन के आया है, ठीक है ना। तो आउटर वी पे हमेशा आप लोग ऐसा एक शेड दे सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। सो या देन यहाँ पे मैंने ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर अप्लाई किया है शिमर के ऊपर गाइस। उसके बाद कभी भी आपको ऐसा रखा रखा छोड़ना नहीं है। मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया था, बिग फ्लफी ब्रश, और अच्छे से पूरा ब्लेंड कर दिया, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वाइट काजल, क्योंकि इनकी आंखें जो है वो छोटी है, इसलिए वाइट काजल जब हम अप्लाई करते हैं तो आंखें थोड़ी बड़ी लगती हैं। देन गाइज यहाँ पे मैं जो आउटर वी पे मैंने जो शेड दिया है, सेम शेड पिंक और ब्लैक को लेके मैंने नीचे मर्ज कर दिया है, देख सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ गाइज, देख सकते हो। तो आपको ब्रो बोन को भी अच्छे से हाईलाइट करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आईलाइनर अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद गाइज मस्कारा के लिए मैंने लिया था ग्लैम 21 का मस्कारा। तो ये मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में किया है, आप चाहे तो मैं हाई एंड ब्रांड वाले भी बताऊंगी आपको, लेकिन ये जो मैंने किया अफोर्डेबल रेंज में, मतलब बेस तो हमारा क्रायलॉन यूज़ किए हैं, बट जो बाकी आई मेकअप हैं और आईलाइनर है वो हम अफोर्डेबल रेंज में, तो ये हमारा बीच में आता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लो भी नहीं और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं। ओके ओके, सो गाइस कुछ लोगों का बजट कम रहता है, ठीक है, तो उसमें हम ये मेकअप लुक दे सकते हैं उनको, ठीक है, इस प्रोडक्ट के सॉरी ऐसे ब्रांड के मेकअप हम उसमें दे सकते हैं। तो ये हमारा लाइक कुछ लोगों का बजट 5000 तक होता है, 5000, 4000, 6000 देख देख के होता है, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। ओके, देन गाइज यहाँ पे मैंने लिप्स में जो एक्स्ट्रा लिप बाम था वो हटा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया और ये था गाइज इनका फाइनल लुक। मेकअप फिक्सर मैंने अप्लाई कर लिया था और गले पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था। सो देख सकते हो ये कुछ इनका फाइनल लुक होके आया है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला हो तो वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर कर देना गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो आप लोगों का एक लाइक कमेंट बहुत मैटर करता है, सो या लाइक कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।